सो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेजी पे क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो गाइस, आपने बहुत सारी एप्लीकेशन का नाम तो सुना होगा जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत क्रेज में चल रही है, पे लेटर नाउ। दोस्तों, उसमें आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है जिसको आप किस्तों में यानी ईएमआई में आप उसको पे कर सकते हो। आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है, अगर आपका सिविल स्कोर बहुत ही अच्छा है तो आपके पास कुछ क्रेडिट लिमिट दी जाती है। ये भी कुछ लेजी पे की एप्लीकेशन भी कुछ ऐसा ही आपको देती है। ये आपको वीज़ा का क्रेडिट कार्ड भी आपको प्रोवाइड करवाती है। हो सकता है आपके पास इसका एक क्रेडिट कार्ड आपके पास घर पर आपके होम डिलीवरी हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको इसमें आप कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो को कंप्लीट पूरी प्रोसेस में देखना है और जो जो मैं बताता चलता हूँ वो आपको करते चलते रहना है। अगर दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, इसके बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको दोस्तों इसमें से यहाँ पर प्ले स्टोर में टाइप कर देना है लेजी पे। जैसे आप इसमें लेजी पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। एप्लीकेशन कुछ ये है, लेजी पे पे लेटर क्रेडिट, ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों उसको आपको ओपन करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा आपका इंटरफेस आपके सामने होगा। आपको क्या करना है, आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है, गेट स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करोगे, आपके पास एक ओटीपी आपको देखने को मिल जाएगा। वो दोस्तों ऑटोमेटिक ही ये सेव कर लेगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद में आपका क्या करना है, ये आपके पास ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। ये कुछ यहाँ पर परमिशन मांगेगा, गेट रेडी टू बाय नाउ पे लेटर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अलाउ परमिशन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर अलाउ परमिशन पर क्लिक करूँगा, कर देना है। जैसे आप ये थोड़ी परमिशन मांगेगा उसको आप क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालनी है। पहले आपको अपना नेम डालना है, फुल नेम डालना है, फिर आप उसके बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है और इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। मैं आपको डालकर दिखा देता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप इसमें यहाँ पर डिटेल डालोगे, आपको उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप ऊपर की साइड में दिखाई दे रहा होगा, हाय अश्वनी। तो दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर शोविंग योर इंटरेस्ट कार्ड। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इन्होंने बता रखा है कि गेट फ्लैट 500 रुपये कैशबैक, यहाँ पर ये 500 रुपये कैशबैक देता है। और यहाँ पर ये कार्ड योर एवरी नीड यूज़ योर ऑनलाइन ऑफलाइन वी आर इंटरेस्ट 15 डेज। तो दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है अपने नाम पर, जहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, आपको KYC वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। सब कुछ करने के बाद में आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने बोल रखा है कि थैंक्स फॉर शोविंग योर इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इन्होंने हमारा कार्ड डिसअप्रूव कर दिया है, हमारा कार्ड इन्होंने अप्रूव नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर हमारा कार्ड अप्रूव हो जाता तो दोस्तों यहाँ पर आगे की प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाती। तो दोस्तों, इन्होंने बोल दिया है, ड्यू टू द ओवरवेलम रिस्पॉन्स वी आर अनेबल टू ऑफर, हमारे लिए ये ऑफर नहीं है। यू लेजी पे एज ऑफ नाउ विल वी नोटिफाई यू व्हेन वी रोल आउट फॉर मोर यूजर्स। तो दोस्तों, ये हमारे लिए ऑफर नहीं दिया गया है। तो आपके हो सकता है कि आपको ये ऑफ़र मिल जाए, आपको ये क्रेडिट कार्ड देखने को मिल जाए।
तो गाइस अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, अगर आप क्रेडिट लिमिट लेना चाहते हो तो दोस्तों आपके सामने ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर इसमें अप्लाई ज़रूर करके देखिए कि हो सकता है कि आपको ये लिमिट मिल जाए, हो सकता है मेरे यहाँ पर अभी ये अवेलेबल ना हो। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आगे का प्रोसेस नहीं बताया, तो दोस्तों अगर मेरा ये खुल जाता तो मैं आगे का प्रोसेस आपको करके दिखाता। हो सकता है मैं अगली वीडियो में आपको आगे का प्रोसेस भी करके दिखा दूँ, क्या पता एक से दो दिनों में मेरे पास ये लिमिट भेज दें, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस करके दिखा दूँगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।